अथर्व जी हमारे हो गए रेडी और रोज की तरह आज भी वो बालकनी से झांक रहे हैं। क्या मेरी कैब आ गई? नहीं, अभी तक अथर्व की कैब नहीं आई, पर अंकल का फोन आ चुका है अभी और 2 मिनट में अंकल नीचे आने वाले हैं। तो चले अथर्व जी। और आज लंच में पता है क्या दिया मम्मा ने? नूडल्स, जो अथर्व का फेवरेट है। और तो कैब आ गई है अथर्व की, दूर से हम देख पा रहे हैं अथर्व की कैब आ रही है। हे ऑल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो एक और नई दिन की शुरुआत हो गई है और आज वेदर अच्छा है, मतलब धूप नहीं है, मौसम सही हो रहा है। अब तक तो धूप नहीं है, पता नहीं आगे। और काफ़ी दिनों से फरीदाबाद में बारिश नहीं है, पर आई थिंक दिल्ली वैली में बारिश है, पर यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से। और गर्मी भी है, मतलब गर्मी काफ़ी है। सो होपफुली बारिश हो एक आध दिन और थोड़ा सा वेदर सही हो, पर चलो देखते हैं। और अथर्व चला गया है अभी स्कूल और मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज है नित्विक का बर्थडे और हम शाम को जाएंगे नित्विक के बर्थडे में। पर अभी नित्विक के घर पे है सत्यनारायण की कथा, तो मैं ऑफिस तो कर रही हूँ पर देखती हूँ, मैं 10 मिनट के लिए जाऊँगी, मतलब पूरे पाठ में तो बैठ नहीं पाऊँगी पर जाऊँगी, एक जा रही हूँ मैं अभी थोड़ा सा, मतलब माथा टेक के आऊँगी। और बाकी प्लान यू है कि अथर्व आ जाए स्कूल से, फिर उसके बाद देखते हैं अथर्व के ट्यूशन व्यूशन है, सब कुछ है, फिर उसके बाद शाम को जाएंगे हम पार्टी में, वो भी मतलब आफ्टर ऑफिस जाएंगे। तो चलो देखते हैं, करते हैं पूरे दिन का काम और मिलती रहूँगी मैं आप लोगों के साथ बीच बीच में। अथर्व आ जाए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो चलते हैं सत्यनारायण की कथा पे। वंदे विष्णु भवे हरम सर्वलोके नाथम आचितम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्री राम गोविंदम। नित्विक के बर्थडे में जाने के लिए टीना वहाँ तैयार होके खड़ी है और सारे बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं और हमारा नमन भी तैयार हो गया है जाने के लिए। देखो, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ गाइस। नमन भाई, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो हम सब तैयार हो गए हैं, हम निकल रहे हैं, इकट्ठे निकल रहे हैं सारे, तो पहुँच जाते हैं पार्टी में और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो चलो नित्विक के बर्थडे पार्टी में। तो हम पहुंच गए हैं पार्टी में और अंदर चल रहा है मैजिक शो, तो चलो देखते हैं मैजिक शो जा। आपको गेम मेन, वेरी गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए हमें। सो साइशा के लिए फिर से एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, शी इज विनर अगेन एंड क्लैपिंग फॉर अथर्व, अथर्व के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, जोरदार क्लैपिंग अथर्व के लिए भी। आपको क्लैपिंग मिल रही होगी कॉन्फिडेंस की वजह से। आप भी गलती आते हो अभी। आ जाओ आ जाओ।
केक कटिंग नहीं करना, नहीं करना, क्यों? आपका तो बर्थडे है ना. Happy birthday to you. It's a very special day, only for you. Happy birthday to you. I wish you all happiness. ये देखो रात के 12:30 बजे ये दोनों बच्चे कर रहे शैतानी. इनको देखो ये सारे अपने फुट साइज मेजर कर रहे हैं रात के 12:30 बजे. बताओ ये देखो नमन जी को रात के 12:30 बजे अपनी गाड़ी लेके निकल गए हैं. और दीवा कोशिश कर रही है पीछे पीछे कि मैं भी बैठूं. तो गाइस रात के बज रहे हैं 1 और हम सारे चल दिए अब इंडिया गेट. हमें नित्री का बर्थडे बहुत यादगार बनाना था तो इसलिए हम सारे चल दिए इंडिया गेट अभी. और हमने 2 गाड़ी निकाली. एक गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं सारी जनता और यहाँ सारी लेडीज बैठी हुई है जिसमें मैं गाड़ी चला रही हूँ. और चल दिए हम इंडिया गेट. जय बाकी दूसरी गाड़ी फरारी बनी हुई है जो नजर नहीं आ रही है बाकी क्योंकि मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि उनका मेकअप उतर गया है. और ये वाली गाड़ी पापा ये देखो फ्रेंड्स ये हमारी दूसरी कार. ये हमारी दूसरी जनता जो भगा रहे हैं अपनी गाड़ी को फरारी की तरह. तो हम फाइनली इंडिया गेट पहुंच गए हैं. रात के बज रहे हैं. तो रात के बज रहे 2:10 और हम हैं इंडिया गेट में. कैसे लग रहा है अथर्व आपको? अच्छा. आर यू टायर्ड? चलो बस चलेंगे. ये देखो हमारी जनता कुछ जनता गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि थक गए हैं सारे पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी इफेक्ट. ये देखो क्या डिस्कशन चल रहा है. चुस्की खाने भी कह रहे चुस्की मिलेगी नहीं तो इसको एडवेंचर में मजा नहीं आया. इनका एडवेंचर है इनका पहले मिलती थी अब सब इसको और इसके बेटे को मजा ही नहीं आ रहा. नमन मजा आया? नहीं आया. नमन भाई मजा आया? मजा आया नहीं. आज नमन थक गया. नहीं आया.
मुस्कुरा रहे हो? अरे चल ही रहे हैं यार, क्या करेंगे। बस आ रहे पूछने के लिए कि क्या हम अंदर जा सकते हैं रात को 2:30 बजे। अब वो परमिशन लेने जा रहा है। ये दीपेश भैया हमारे सो रहे हैं गाड़ी पे, देख लो देख लो। ये बंदा घूमने आया है और यहाँ सोए जा रहा है गाड़ी के अंदर। तो मम्मा ने घर से निकाल दिया है। हाँ निकाल दिया गया तुम्हें? आपको मम्मा ने घर से निकाल दिया है? हाँ आपको और पापा को बता दो, जल्दी बताओ। पापा को मम्मा ने घर से निकाल दिया। हाँ भाई मम्मा दोनों पापा और नमन को क्यों घर से निकाल दिया आपने? तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया है और हम यहाँ पे आए, मेरा और नितिशा का पोपट बन गया है यहाँ पे। हम यहाँ अंदर जा रहे थे थोड़ा सा घूमने के लिए, हमने सोचा थोड़ा सा वॉक कर देंगे पर हमें पुलिस वालों ने भगा दिया। और नितिशा पौधों के ऊपर से भागती हुई जा रही थी क्रॉस करती हुई और पुलिस वाले ने व्हिसल बजाया और मैं आगे से जब जा रही थी उन्होंने मुझे देखा, रोका नहीं, पर जब मैं हाफ में आ चुकी थी अंदर घुस के तब बोलते हैं कि मैम अलाउड नहीं है। तो पोपट बन गया हमारा, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो देखते हैं बीच में हम सबको थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाना पीना है। आराम आराम चलिए, गाड़ी आराम से भगाएंगे, ठीक है? तो अब हम रुकेंगे, देखते हैं या तो इन एंड आउट या तो 24/7 कहीं से कुछ खाने वाने का लेंगे, कॉफी वॉफी पियेंगे और फिर घर चलेंगे। तो चलो देखते हैं और क्या क्या प्लान होता है। तो ये देखो हम रुके थे अभी 24/7 और हमने अभी खाने पीने का सामान ले लिया है और क्या लिया था अपने कॉर्नेटो। हम खाएंगे अंदर गाड़ी में। दीपेश तो सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, नहीं खाएगा डोनट्स, नहीं खाएगा।